इवनिंग दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे सोलर इन्फॉर्मेटिव चैनल सोलर इनोवेशन चैतन्य इलेक्ट्रिकल्स में। आज मैं आपको 36 सिला वाले पैनल की जानकारी दे रहा हूं, ओल्ड मॉडल पैनल। इस पर वीडियो बना रहा हूं, मैं यूज़ करता हूं, पिछली 11 बरस से मैं यूज करता हूं 36 सिला वाले पैनल। उसके क्या क्या बेनिफिट्स है वो आपको बता रहा हूँ मैं। अभी फिलहाल 36 सेल वाले पैनल कम मिलते हैं, महंगे है बहुत। अभी ज़माना है ये 72 सेल वाले पैनल का। हर एक पैनल के एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस भी होते हैं दोस्तों, ये सब आपको जानकारी मैं इस वीडियो में बताने की कोशिश कर रहा हूँ। 36 सेल वाले पैनल आप किधर यूज़ कर सकते हैं, VOC का प्रॉब्लम हो तो किस किस 24 वोल्ट के सोलर इन्वर्टर में 90 VOC रहता है लास्ट, तब आप 72 सेल के दो पैनल सीरीज में करके नहीं बिठा सकते, एक ही पैनल बिठाना पड़ेगा। ज़्यादा से ज़्यादा VOC उसका 46 तक होता है। बीच में का गैप ऐसा ही पड़ा रहता है। आपने अगर 36 सेल वाले पैनल सीरीज में लगा लिए दो पैनल 36 सेल के आपके पास हो तो क्या किन किन के घर में पड़े रहते हैं ओल्ड मॉडल पैनल 36 सेल वाले, वो नया बिठा लेते हैं नए सिस्टम के साथ। अगर आपका VOC 90 वोल्ट हो सोलर PCU का, तो ये दो पैनल सीरीज में बिठा सकते हैं आप 24 वोल्ट करके, VOC आपको अच्छा मिलता है। दो या तीन पैनल भी कर सकते हैं, इसका 20 वोल्ट VOC रहता है, 20 वोल्ट 22 वोल्ट तीन पैनल भी बिठा सकते हैं सीरीज करके आप। 15-20 वोल्ट का गैप आपका बीच में का भर जाता है। अभी 72 सेल पैनल का VOC 46 है, अभी ये तीनों पैनल सीरीज में कर दिए तो कितना होता है VOC देखिए, 22 वोल्ट VOC है एक पैनल का, 66 तक VOC हो जाता है आपका। इसलिए मैंने वीडियो बनाया आपके पास, अगर ये ओल्ड मॉडल पैनल बड़े हो तो आप सीरीज करके लगा सकते हो। और आपके पास अगर 12 वोल्ट का इन्वर्टर हो, कौन सा 12 वोल्ट का इन्वर्टर हो तो अपने 72 सेल वाले पैनल ले लिए होंगे पहले से ही। ओल्ड मॉडल पैनल का कैसा यूज़ करें तो अलग से चार्ज कंट्रोलर लगा के आप बैटरी पर ये तीनों पैनल का सप्लाई उस चार्ज कंट्रोलर को दे के उसका आउटपुट आप बैटरी पर दे सकते हैं, चार्ज कंट्रोलर का बैटरी चार्ज कर सकते हैं। बाजू को मत रखिए इस पैनल को, अच्छे पैनल होते हैं। चलो आपको मैं दिखाता हूँ, देखिए दोस्तों ये 36 सेल वाले पैनल है मेरे ओल्ड मॉडल, देखिए कितना बरस हुआ मैं यूज़ कर रहा हूँ, मैन्युफैक्चरिंग डेट दिख रही होगी आपको। ये आगे वाले तो उससे भी ये 100 वाट के है, इससे भी ओल्ड है ये। पैनल और इस पैनल का काज भी बहुत अच्छा रहता है, प्लेन काज रहता है इसका, और ये 72 सेल वाला पैनल का काज मैटी रहता है। ये जल्दी गंदा हो जाता है ये, इसका कांच प्लेन रहने के कारण ये गंदा जल्दी होता नहीं। देखिए अभी मैं ज़्यादा गंदगी नहीं है, देखिए। और इस पैनल को दिखाता हूँ मैं आपको, देखिए मिट्टी चिकप के बैठते हैं इस पैनल पर, इस पर बैठती नहीं, जल्दी से पैनल क्लीन हो जाते हैं। अभी मेरा ये 1260 वाट का सिस्टम है, मैंने गामा प्लस पर लगाया है। ये 330 वाट के तीन पैनल है, ऊपर दो और नीचे एक पैनल, ये तीनों पैनल मैंने गामा प्लस पर दे दिया है। और ये बीच में के तीन पैनल है 100 100 और ये 60, ये पैनल तीनों पैनल पैरेलल। एक मेरे पास ओल्ड चार्ज कंट्रोलर था PWM, उस पर दे के उसके थ्रू बैटरी पर चार्ज करने के लिए दे दिए।
उस चार्ज मेरे PWM चार्ज कंट्रोलर का काम सिर्फ बैटरी चार्ज करना ही है। पैरेलल ये तीनों पैनल मैंने दे दिए हैं, ये भी पैरेलल ही है ऊपर के, ये 24 वोल्ट के 72 सेल वाले, और ये 36 सेल वाले है 22 VOC है इसका। ये यूटेल गामा प्लस पर नहीं दे सकते। और आपके पास 24 वोल्ट का अगर PCU हो, उसका VOC रेंज 90 वोल्ट हो, तो ये पैनल 24 वोल्ट के पैनल अगर उस पर अपने लगाए तो बीच में बहुत गैप पड़ता है दोस्तों। इसका 46 VOC है और ये सीरीज में भी नहीं लगा सकते आप उस पैनल पर, उस PCU पर ये दोनों दो पैनल 24 वोल्ट के सीरीज में भी नहीं लगा सकते। आपको तीन पैनल अपन ने ले लिए होते हो गए तो डायरेक्ट पैरेलल ही लगाना पड़ता है। आपके पास ऐसे पैनल पड़े हो तो तीन पैनल भी आप सीरीज करके लगा सकते हो उस पर, 66 VOC हो जाएगा, 22 × 3 पैनल का VOC। और MPPT आपको ज़्यादा उसके VOC बना, ज़्यादा एम्पेयर बना के देता है इन्वर्टर का MPPT, इसलिए आपके पास अगर ये ओल्ड मॉडल पैनल हो तो आप अलग से चार्ज कंट्रोलर लगा के आपकी बैटरी चार्ज कर सकते हो। ये बाजू को मत रखना, इसका आप उपयोग कर सकते हो। आपका अगर VOC का जो प्रॉब्लम है वो भी उससे सॉल्व हो जाता है। अगर 12 वोल्ट वाला इन्वर्टर हो तो वो अलग से चार्ज कंट्रोलर लगा के ये तीनों पैनल आप उसकी बैटरी चार्ज करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हो। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। ऐसे इंटरेस्टिंग टेक्निकल वीडियो आपको देखना हो तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, और ऐसे बहुत सारे लगभग 240 वीडियोज़ मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में मौजूद है। यूटेल गामा प्लस टेस्टिंग, इलेक्ट्रिकल रिपेयर, सोलर पैनल स्ट्रक्चर, सभी प्रकार के वीडियोज़ मेरे सोलर पैनल प्लेलिस्ट में मौजूद है दोस्तों। आप फुर्सत में देख सकते हैं, आपको बहुत सारी जानकारी मिल जाएंगी। उस जानकारी से आप घर में खुद ही सोलर इन्वर्टर इंस्टॉल कर सकते हो। इस जानकारी से पैनल कैसे लगाए, सोलर स्ट्रक्चर कैसे तैयार करें, कौन सा इन्वर्टर ले, आपको सब भी जानकारी मिल पाएगी। चैनल को पक्का लाइक कीजिए दोस्तों, चैनल को पक्का सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। धन्यवाद फ्रॉम सोलर इन्वेंशन चैतन्य इलेक्ट्रिकल्स।